जितने भी छात्र छात्रा क्लास 10th का है, तो यहाँ पर हम भारती भुवन का जो कि बायोलॉजी में चैप्टर 1 का हम यहाँ पर बताने वाले क्या है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सारा यहाँ पर 35 अति लघु उत्तरीय प्रश्न उसका हम यहाँ पर आंसर बताने वाले हैं। और आप लोग कॉमेंट करते थे इसका जो है ना, यानी कि दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताएंगे, ठीक है। तो ये क्लास 9th के हैं, भारती भवन का है बुक है, जिसमें से हम आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर भारती भवन का है जो ना, यहाँ पर हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर बता दीजिए। तो हम यहाँ पर आंसर आपके बीच हम लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका आपको आंसर देना बस एक लाइन में ही आंसर देना है, ठीक है। क्या है अति लघु उत्तरीय, कितना प्रश्न है, तो आपको टोटल 35 है, ठीक है। तो पहला आप लोग क्या कह रहा है देखिएगा, पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर, जैव प्रक्रम जो ना किसे कहते हैं, तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पर फिर बुक में भी दिया गया, लेकिन आपका बुक का भाषा नहीं लिखना, ठीक है, अपने भाषा से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, बुक में भी दिया गया, ऐसा बात नहीं, देखिए बुक में भी दिया गया है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब क्या होता है, जो कार्य हमारा जीव में जो भी कार्य होता है वो उसे क्या कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम सोए, क्या कर रहा, हम अगर हम सोए हुए भी रहते हैं तो हमारा शरीर में का जो है क्रिया जो है क्या होता है, चलती रहती है, ठीक है। क्या होता है, चलती रहती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। आपको किस तरह से आंसर लिखना है सारा हम आपको बताते हैं, ठीक है, आपको कैसे आंसर लिखना है। चलिए तो यहाँ पर पहला देखिएगा, पहला क्या कह रहा है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो देखिएगा जैव प्रक्रम हम लोग किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा जैव प्रक्रम हम लोग किसे कहते हैं, तो वे सारी, यानी देखिएगा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवो अपने जीवन के सारी क्रियाओं को संपादित करते हैं, यानी कि हमारा जो जीव में क्रियाएं जो संपादित करते हैं उसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। बस इतना ही आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है, इससे बाहर आपको आंसर नहीं लिखना है। यानी जैव में से क्या हुआ, जैव मतलब हुआ जीव, ठीक है, जैव मतलब क्या हुआ, जीव प्रक्रम में हुआ, जो शरीर में जो भी काम, यानी कि जीवों में जो काम होती है उसको कहते हैं प्रक्रम। यानी जैसे हमारा श्वसन, हमारा क्या है, भोजन का पचना, ये सब क्या है, ये सब प्रक्रम, इसी को क्या कहते हैं, प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। क्रम में क्या होता है, बताए काम होता है, ठीक है, क्रम में क्या होता है, काम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जैव प्रक्रम किससे कहते, तो आप लोग समझ गए, बस इतना ही उत्तर देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन का आवश्यकता विसरण के द्वारा क्यों नहीं पूर्ति होती है, क्यों नहीं पूर्ति होती है विसरण के द्वारा, बताइएगा। बहुकोशिकीय, लेकिन एक कोशिकीय को जो है उसका पूर्ति हो जाता है, लेकिन बहुकोशिकीय का पूर्ति नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी इसमें भी आंसर दिया हुआ, देखिएगा इसका भी आंसर यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, क्या लगा सकते हैं, देखिएगा इनमें विसरण साधारण क्रिया जो कोशिकाओं की जरूरत पूर्ति नहीं होती है, यहाँ पर से अभी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया देखिएगा, यहाँ पर दिया गया एक कोशिकीय जीव या विसरण क्रिया अपने आसानी से संभव, जैसे बताया ना एक कोशिकीय जो होता है, इसमें बहुकोशिकीय दिया हुआ, तो एक कोशिकीय जो है जीवों में यह विसरण क्रिया अपने आसानी से संपन्न हो जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव इसके लिए विशिष्ट अंग रहते हैं। बहुकोशिकीय में क्या होता है, इसका विशिष्ट अंग होता है, इसी कारण जो इसमें ऑक्सीजन के जो क्रिया जो है नहीं हो पाती। जैसे हमारा त्वचा जो है क्या है, हमारा त्वचा जो है ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, तो ये क्या है, एक कोशिकीय जीव हुआ, ठीक है। चलिए इसीलिए यहाँ पर हम आंसर आपको बताते हैं, आंसर जो है किस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखते चलिएगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहुकोशिकीय, ठीक है। ये दूसरा नंबर का, दूसरा नंबर उत्तर क्या लिखना है, विसरण से ऑक्सीजन प्राप्त करने की गति काफी धीमी होती है। देखिएगा विसरण से जो ना ऑक्सीजन की प्राप्ति कर, यानी कि प्राप्त करने के लिए जो है गति काफी धीमी होती है, यानी स्लो होती है, कम होती है, तथा कम होती है, जिसके कारण जो है ना बहुकोशिकीय के जीवों में विसरण से ऑक्सीजन की पूर्ति जो है ना, पूर्ति हो तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना उसके लिए जो है ना अपर्याप्त हो गया। अपर्याप्त मतलब क्या हो गई, बहुत कम हो गई, ठीक है ना, अपर्याप्त मतलब बहुत ही कम मात्रा में हो गई, ठीक है, समझ गए, सेकंड का ही उत्तर हो गया। अब अगला देखिएगा, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी होती है? तो जीव में हमारा जो हम लोग जीव है इसमें जो होते हैं दो प्रकार का क्या दो इसमें पोषण का प्रमुख आप लोग विधियां बताएंगे कौन कौन है, तो ये आप लोग ये लिखिएगा। तीसरा का जो है राइट आंसर ये देखिएगा, जीवों में पोषण जो है ना मुख्यतः दो विधियां जो है ना इस प्रकार जो है दिया गया है कौन कौन, एक स्वपोषी एक परपोषी। स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी जो होता है वो खाना जो है ना खुद से बनाता है, जैसे पेड़ पौधे क्या है, जैसे पेड़ पौधे हमारा जो है वो खाना क्या होता है खुद बनाता है, ठीक है, पेड़ पौधे हमारा खाना क्या होता है खुद बनाता है। और परपोषी क्या है, परपोषी जो है ना मानव ये सब क्या है परपोषी, हम लोग जो है दूसरे पर आधारित है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिएगा, चार नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को आप लोग लिखते हुए चलना, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरे पौधे किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, हरे पौधे में जो है किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो आप लोग पता होगा हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, इसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, क्या पाया जाता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक भी लिख सकते हैं, ठीक है, हरित लवक, हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है किसमें, तो हरे पेड़ पौधे में। देखिएगा किस तरह से लिखना है, तो सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, क्या होते हैं सभी पेड़ पौधे जो होते हैं क्या होते हैं बाबू, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। पौधे में एक प्रकार की रचना, इसमें क्या होता है एक प्रकार की रचना होता है जो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, क्या होता है इसमें हरित लवक जो है क्या होता है क्लोरोप्लास्ट इसमें क्या होता है पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है जंतुओं में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए जंतुओं में जो होता है ना पोषण वो कौन सी विधि से पाई जाती है, तो जंतुओं में जो होता है ना वो परपोषण द्वारा पाई जाती है, क्या होता है यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। जंतुओं में किसके द्वारा होता है, तो परपोषण द्वारा पाई जाती है, ठीक है, किसके द्वारा, तो परपोषण द्वारा, ठीक है, पोषण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीन प्रकार के पोषण विधियों को नाम लिखेंगे, तीन प्रकार के कौन कौन है, तो मृत जीवी परजीवी और क्या होता है यानी कि प्राणी संपोषी होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सिक्स का राइट आंसर यहाँ पर उत्तर जो यहाँ पर हम दिए गए, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सिक्स का क्या हो जाएगा, सिक्स का उत्तर यहाँ पर लिख लीजिएगा मृत जीवी, क्या होता है मृत जीवी और परजीवी, यानी कि परजीवी और क्या होता है एक प्राणी संपोषी, क्या होता है प्राणी संपोषी, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कर रहा है देखिएगा, आगे जो कर रहा है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक समीकरण को लिखना है, क्या लिखना है रासायनिक समीकरण को लिखना है संपूर्ण, ठीक है। अब किस तरह से लिखना है आपको ये भी बताते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण इसमें जो लिखना है प्रक्रिया को लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा सेवन नंबर क्वेश्चन का, सेवन नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया यहाँ पर उत्तर दिया गया, इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण जो है ना इस प्रकार है, क्या हुआ सिक्स CO2, क्या हुआ सिक्स यानी कि छह को क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है, CO2 क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब 12 को क्या यहाँ पर दिया है 12 को हाइड्रोजन, 12 दोनों 24 हाइड्रोजन हो जाएगा और वो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसमें जो है ना सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से हम लोग क्या कर दें क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल नीचे में सूर्य का प्रकाश यहाँ पर से रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा C6H12O6 किसका सूत्र है, तो यहाँ पर समीकरण हम यहाँ पर इसका रिएक्शन कराएंगे तो C6H12O6 किसका सूत्र है तो ग्लूकोज। तो यही तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखना प्लस में इसका क्या होगा ग्लूकोज जो है यहाँ पर प्राप्त होगा, और देखिए 6O2 प्लस 6H2O ये जो है क्या हुआ समीकरण जो है ना संतुलित हो गया, ठीक है, संतुलित हो गया, ये रासायनिक समीकरण को लिखना है, इसी तरह आपको जो है ना रासायनिक समीकरण लिख देना है। अब चलिए वो आगे क्या कर रहा है, आठ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आठ नंबर का क्वेश्चन का आंसर है इस प्रकार है, ठीक है। एट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एट नंबर क्वेश्चन है अगर आपको कोई वीडियो में अगर दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आपका जो अगर क्वालिटी में दिक्कत होगी तो आप लोग जो है क्वालिटी अपने खुद से मोबाइल से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद, ठीक है, क्या कह रहा है उपपाद के रूप में क्या बनता है, तो अभी तो बताएं प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है ग्लूकोज उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन बनता है बाबू, ठीक है, क्या बनता है उत्पाद के रूप में, या देखिए उत्पाद के रूप में पीछे क्या है उत्पाद के रूप में, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो लिखना है किस प्रकार उत्तर, तो देखिएगा उत्तर लिखना है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में O2 यानी जो O2 बनेगा ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनता है, क्या बनता है उत्पाद के रूप में बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाइन नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, प्रकाश संश्लेषण जो है
प्रक्रिया में हरित लवे की क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है, इसका भी आंसर आपको जानना है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं, आप लोग समझते चलिएगा सर जितने भी क्लास 10th का। अगर आप लोग चाहते हैं जिनका भाई बहन क्लास 9th में, तो उनका 9th का भी हम इस पे इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे भारती भवन का सारा बुक का सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और लघु दीर्घ उत्तरीय सारा कुछ हम बताएंगे, ठीक है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग जो भी वीडियो आएगा आप लोग डेली देखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर का बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है लिखना क्या, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का वर्णक पाया जाता है। देखिएगा क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल का वर्णक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है ना, किसमें पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, बस इतना ही आपको आंसर लिखना है। अब चलिए क्लास यानी कि आप देखिएगा 10वां नंबर में क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन पदार्थों का आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण में जो है ना किस किस चीज का जो है पाया जो है ना उसका यानी कि आवश्यकता पड़ती है, क्या होती है आवश्यकता पड़ती है ना, प्रकाश पेड़ पौधे के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है बताइए आप लोग, पेड़ पौधे के लिए जो है क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग इसको जानिएगा तब ना आप लोग इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा आपको बताते हैं, देखिएगा 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का आवश्यक बहुत ही जरूरी है। दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, जो कि हम लोग ऑक्सीजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। जल, जल भी क्या हुआ पेड़ पौधे में जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश भी क्या हुआ बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण जो है प्रक्रिया जो है इन पदार्थों का जो है से आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑप्शन दिया गया सभी ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो क्या मार देना, सभी मार देना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे CO2 कहाँ प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ प्राप्त होता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। कि इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे में CO2 जो है कहाँ प्राप्त होता है, तो कहाँ प्राप्त होता है तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, कहाँ प्राप्त होता है तो रंध्रों में या वायुमंडल में, वायुमंडलों में क्या होता है इसका प्रक्रिया जो है नहीं हो पाती। किस देखिएगा यहाँ क्या कर रहा है, CO2 जो प्राप्त किस कहाँ होता है तो वायुमंडल में होता है, तो किस तरह से आपको लिखना है तो देखिएगा लिखना है किस तरह से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे को रंध्रों द्वारा किसके द्वारा होता है, तो प्रकाश से जो है पौधे में जो है रंध्रों द्वारा क्या होता है, रंध्रों द्वारा वायुमंडल में पत्तियों के यानी पत्तियों के भीतर कोशिकाओं का विसरण द्वारा जो है ना पहुंचती है, पत्तियों द्वारा क्या होता है विसरण द्वारा क्या होता है पहुंचता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का यही हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग सारा चीज को, आप लोग लिखते चलिए बिल्कुल आसानी भाषा में, ठीक है, आसानी भाषा में। चलिए आगे देखते हैं, चलिए इसमें जो है ना कम से कम जो है ना टारगेट रखते हैं, अगर 500 लाइक कर देते हैं ना तो अगले वीडियो जो है ना बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल गारंटी का सा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, कवक एवं जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है क्यों नहीं हो पाती है, कवक, कवक और जीवाणु जो है दोनों अलग है, ठीक है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के उसमें जो है क्यों नहीं हो पाता है, तो समझिएगा क्यों नहीं हो पाता है, तो क्योंकि सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म मतलब क्या होता है छोटा जीव है, क्या है कवक जो है बहुत ही छोटा जीव है, जो कि हम लोग आंखों से जो है नहीं देख सकते, क्या होता है हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो सूक्ष्म यानी सूक्ष्म दर्शी से हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर कह रहा है सूक्ष्म जीव है यानी सबसे छोटा जीव है, यह धूलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन अवशोषित करता है, कार्बनिक पदार्थ यानी कि धूलित कार्बन यानी कि छोटे छोटे कण से जो ना ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन क्या अवशोषित यानी ग्रहण करते हैं, कौन करते हैं कवक और जीवाणु, ठीक है, समझ गए। चलिए अब 13 नंबर का उत्तर देखिएगा, 13 नंबर क्या कर रहा है, पोषण के दृष्टिकोण में अमीबा तथा पारामीसियम यानी कि प्रामीसियम, ठीक है, प्रामीसियम जो है किस प्रकार के जंतु है, पोषण दृष्टिकोण में जो अमीबा और पारामीसियम जो है पारामीसियम वो किस प्रकार का जीव जंतु है आपको लिखना है, किस प्रकार का जीव जंतु है, तो देखिएगा 13 का जो ये क्या है परजीवी पोषण का एक जीव है, क्या है परजीवी पोषण का क्या है एक जीव है, अमीबा पारामीसियम जो है क्या है परजीवी पोषण का क्या है बाबू जीव है, बिल्कुल आपको याद रखना है, इसी तरह से आप लोग आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके बीच जो ना आंसर के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो ना आपका कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगर आप लोग जो ना 500 अगर लाइक टारगेट करते तो इसका जो है ना लघु उत्तरीय देख रहे हैं ना, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा, जो कि सारा सब्जेक्ट का हम यहाँ पर सारा टॉपिक कवर करवाएंगे, ठीक है। आज से जो ना आपका टॉपिक जो है सारा कुछ कवर हो जाएगा गारंटी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
अगला प्रश्न है, मनुष्य में आहार नाल कौन सा मुख्य भाग द्वारा बांटा होता है, कौन सा द्वारा भाग बांटा होता है? तो मनुष्य में जो है ना आहार नाल जो है ना आमाशय और क्या होता है पकवाशय यानी पित्ताशय और छोटी आंत और बड़ी आंत से क्या होता है, ये क्या होता है बाबू, तो भागों में क्या होता है बांटा होता है। ठीक है, आप लोग मेन रूप से छोटी आंत और यहाँ पर जो है बड़ी आंत, ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत और आमाशय जो है ना मेन इसमें रूप है जो कि भागों में क्या होता है बांटा हुआ रहता है। ठीक है, इसी तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, अब आगे क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्रासनी में इससे दो छिद्रों के नाम को लिखेंगे। ग्रासनी में दो छिद्र होते हैं, कौन कौन छिद्र होते हैं बाबू, तो ग्रासनी में कौन कौन छिद्र होते हैं यहाँ पर समझिएगा, दो छिद्र कौन कौन होते हैं, एगो निंगल द्वारा एगो क्या होता है कंठ द्वारा, यही आपको लिखना है, क्या होता है निंगल द्वारा और कंठ द्वारा, ये आपका 15 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, 16 नंबर, मनुष्य में पाचन आहार नाल किस भाग से शुरुआत होता है, तो किस भाग से शुरुआत होता है, तो सारा कुछ यहाँ पर हम आंसर बता रहे हैं, तो सारा आंसर को आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, किससे होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 16 का उत्तर लिखना है, मनुष्य के पाचन आहार नाल मुख से क्या होता है शुरू होता है, क्या होता है मुख से शुरू होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, 17 नंबर, मनुष्य के आहार नल किस भाग से भोजन पचे हुए अवशोषण होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, तो 17 का यहाँ पर राइट आंसर लिखिएगा आप लोग, 17 का क्या हो जाएगा, छोटी आंत आहार नाल से सबसे बड़ा लंबा भाग है, ये छोटी आंत जो है ना पचे हुए भोजन को अवशोषण करता है, यानी छोटी आंत जो है ना वो बहुत लंबा होता है। ठीक है, याद रखिए कम से कम 8 से 10 मीटर क्या होता है लंबा होता है छोटी आंत। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो वर्णक है ना वो हरे पौधे में पाया जाता है, हरे पत्ती में। ठीक है, हरे पत्ती में पाया जाता है, ठीक है आपको याद रखना, किसमें पाया जाता है, हरे पत्ती में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम पौधे का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे के द्वारा जो निर्माण करता है कैसे निर्माण करता है, देखिएगा 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे का अन्य निर्माण करते हैं, क्या करते हैं अन्य निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मृत जीवी कहाँ होता है, बताएगा मृत जीवी जो है यानी कि पूर्ति जीवी भी कहा जाता है, मृत जीवी जो है किसी को क्या कहते हैं, मृत जीवी को क्या कहते हैं, पूर्ति जीवी भी कहा जाता है। ठीक है, मृत जीवी को क्या करता है, पूर्ति जीवी भी कहा जाता है। अब आगे देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, जिस जीव के शरीर में परजीवी भोजन प्राप्त करते वो क्या कहलाते हैं, बताइएगा वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो परजीवी पोषण कहलाता है, क्या कहलाता है, वो परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परजीवी पोषण। अगला देखिएगा, गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण होता है, तो गोबर छत्ता में जो है किस प्रकार का पोषण होता है, तो मृत जीवी, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मृत जीवी। ठीक है, मृत जीवी पर पोषण, ठीक है आप लोग लिख लीजिएगा मृत जीवी पर पोषण। अगला देखिएगा, पत्तियों के द्वारा CO2 वायुमंडल के द्वारा प्रवेश करती है, युक्त वायुमंडल के द्वारा क्या करते हैं प्रवेश करती है, तो सूक्ष्म कण रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है, किससे करती है, देखिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होती है, क्या सूक्ष्म रंध्रों द्वारा। अब 24 का देखिएगा, पोषण के दृष्टि में जंतुओं को क्या कहा जाता है, पोषण के दृष्टि में जो है जंतुओं को क्या कहा जाता है बाबू, तो यहाँ पर बताइएगा क्या कहा जाता है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी और विषम पोषी कहते हैं, क्या कहते हैं स्वपोषी और विषम पोषी, यही आपका आंसर हो जाएगा 24 का। अब 25 देखिएगा, अमीबा भोजन का पाचन कहाँ होता है, अमीबा का जो भोजन जो पाचन होता है ना वो कहाँ होता है, तो अमीबा का भोजन जो अंत कोशिका में होता है। ठीक है, अंत कोशिका में इसका होता है पाचन होता है, इस पर लिए अमीबा में अंत कोशिका में कोशिका में प्रकार का पाचन होता है। ठीक है, चलिए 25 का राइट आंसर देख लिया। अब 26 की ओर चलते हैं, 26 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग क्या होते हैं, तो मनुष्य में जो पाचन के लिए हमारा जो विशेष जो अंग पाया जाता है ना वो कौन कौन अंग पाया जाता है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कौन कौन अंग पाया जाता है, तो समझिएगा लार ग्रंथिया अग्नाशय यकृत और पित्तरस जो है मनुष्य के लिए जो है क्या है सबसे विशेष अंग माना जाता है। ठीक है, सबसे विशेष अंग। अब देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाला संरचना को क्या कहते हैं, तो मनुष्य के ऊपरी जीव पर जो है स्वाद कलिका होता है। ठीक है, जीव के ऊपरी सतह पर पेपिल और स्वाद कलिका होता है। ठीक है, याद रखिएगा जीव के ऊपरी सतह पर जो है यानी कि पेपिला, ठीक है, और स्वाद कलिका होता, कलिका से जो क्या होता है ढकी होती है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुख्य गुहा भोजन कहाँ पहुंचता है, मुख्य गुहा से जो है ना भोजन कहाँ पहुंचता है, तो आपको याद रखना है ग्रास नली में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है, ग्रास नली में प्रवेश करती है, बस इतना ही लिखना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रास नली दीवार के तरंग की तरह होने वाला सुकड़न एवं फैलाव क्यों होता है, क्यों होता है, तो क्रमांक यानी कि क्रमांक कुचन द्वारा होता है, क्या होता है क्रमांक कुचन द्वारा, ऑप्शन हमारे यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर 29 का यहाँ राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा,
अब आगे क्या कह रहा है, 29 नंबर हो गया। 30 नंबर देखिए, भोजन का मौजूद प्रोटीन प्रो यानी कि पेप्सोटोन में कौन सा एंजाइम का परिवर्तन करता है, कौन सा करता है, तो यहाँ पर देखिएगा पेप्सिन और प्रोटियो के लीटर के एंजाइम है। ठीक है, क्या होगा, पेप्सिन और प्रोटियो का लीटक जो है ना, क्या है, एक एंजाइम है। चलिए अब आगे देखिएगा 31 नंबर, आहार नाल में सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो आहार नाल में जो सबसे लंबा भाग होता है ना, वो छोटी आंत होता है। ठीक है, क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा छोटी आंत होता है, क्या होता है, छोटी आंत, जो कि 8 से 10 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि हमने बोला था कि आप लोग पूरा 35 बताने की, तो यहाँ पर 35 सारा को हम यहाँ पर बताने वाला, देखिएगा। ठीक है, ये भारतीय भवन का है, यहाँ पर देखिए शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, तो शरीर में जो ना सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है ना, वो शरीर में क्या होता है, तो सबसे बड़ा शरीर में ग्रंथि क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा शरीर में ग्रंथि जो है यकृत यानी लीवर, जिसको क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, सबसे बड़ा हमारा शरीर का ग्रंथि है। अब आगे देखिएगा पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया जो है ना कहाँ पूर्ण होती है, तो देखिएगा 33 का क्या हो जाएगा, पाचन की क्रिया जो है ना छोटी आंत में पूर्ण होती है, जो कि छोटी आंत सबसे लंबा आंत इसी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत में जोड़कर अवस्थित नली को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो अंधरांत कहते हैं, क्या कहते हैं, अंधरांत कहते हैं। ठीक है, अब अगला ये देखिए लास्ट क्वेश्चन ये करा है, यानी कि आप पचना भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित होता है, तो रेक्टम में होता है, क्या होता है, रेक्टम में होता है, याद रखिएगा किस्म कहाँ होता है, रेक्टम होता है। तो सारा यहाँ पर, और यहाँ पर जो ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको बता दिए, अति लघु प्रश्न जो ना बता चुके हैं, उसका उत्तर भी आप लोगों को बता दिए। अब अगला बारी क्या है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।